स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बात करेंगे ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की कॉम्प्लेक्स कम्पाउंड जो होते हैं इनकी ज्योमेट्री इनकी हर कॉम्प्लेक्स uh, की खास ज्योमेट्री होती है ठीक है तो इसके लिए भी हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसमें हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस जो कॉम्प्लेक्स क्योंकि हम देखते हैं कि एक सेंट्रल मेटल होता है ठीक है ना अब कॉम्पलेक्सेस की जो यहाँ बात करें चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सेस की यहाँ बात करें या तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि केटाइनिक या एन आइनिक कॉम्प्लेक्सेज की ठीक है जिनमें हम देख रहे हैं कि केटाइनिक या ए हमारे पास जो है वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है ठीक है कॉम्प्लेक्स आइन होता है हमारे पास ठीक है कॉम्प्लेक्स आइन या फिर हम यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मौजूद है ठीक है तो बेसिकली हम यहाँ पर जो बात कर रहे होते हैं ना वो यानी कॉम्प्लेक्सेस में जो बात करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम बात करते हैं वो किसकी कर रहे होते हैं जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है ना उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उसके अंदर देखिएगा कि यहाँ पर जिस तरह से मेटल होता है और उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं हमारे पास लिगेंड्स मौजूद होते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे एल लिख रही हूँ अब यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे वो भी हम कुछ इसी तरीके से करेंगे कि एम यहाँ पर हम लिखेंगे ठीक है और एम जो होगा वो हम वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा मेटल को ठीक है या सेंट्रल मेटल को चले यहाँ हम पूरा लिखेंगे सेंट्रल मेटल और लिगेंड के लिए हम यहाँ पर एल यूज कर रहे होंगे ठीक है तो यहाँ पर हम एल लिखेंगे कि एल जो है वो मतलब होगा कि लिगेंड ठीक है तो अच्छा लीस्ट जो यहाँ पर मौजूद होंगे वो सेंट्रल मेटल के साथ जो अटैच होंगे वो हमारे पास टू होंगे ठीक है तो यहाँ पर हम स्टार्ट लेते हैं कि जब हमारे पास क्या होगा कि मेटल मौजूद होगा और उसके इर्द गिर्द दो हमारे पास क्या होंगे लिगेंड्स उसके साथ अटैच होंगे तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा ठीक है ये हमारे पास आ जाता है जिसमें हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि ये इस तरह से होगा एम होगा और नहीं इस तरह नहीं बल्कि यहाँ पर हम लिखेंगे एल ठीक है और होल्ड ट्वाइस और ये हमारे पास मौजूद होगा अब चाहे ये के टाइन हो चाहे ए नाइन हो चाहे ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा ठीक है ना तो ये हमारे पास क्या होगा कि इसमें हम देखते हैं कि ऐसे मौके पर हमारे पास मेटल की क्या है मेटल का कोर्डिनेशन नंबर जो है वो टू है ठीक है और वो हमारे पास जो है वो उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर होगी इसी तरह यहाँ पर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की भी बात कर लेते हैं बेसिकली यहां पर क्या होता है कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन के ही अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रीज uh, आ रही होती है ठीक है यानी कि जितने ज्यादा इसके अराउंड लेगेंटैच्ड होंगे फिर उसके अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होगी फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो यहां पर इसकी ज्योमेट्री आएगी तो हम देखते हैं अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जिस तरह से अगर हमारे पास मौजूद हो तो इसको हम बल्कि इस तरह करते हैं कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे लेके आती हूँ और इसके ऊपर यहाँ पर ये यह लिख देती हूँ ठीक है ये यह हम यहाँ पर ले आते हैं ठीक है थीके? और इसके नीचे अगर हम क्या करें इसके नीचे इसकी एग्जाम्पल लेकर आते हैं यहाँ पर मैं एग्जाम्पल मैंशन करूंगी और वो होगी हमारे पास इस तरह से फॉर एग्जाम्पल एम एन हो जाएगा मैंगनीज के लिए ठीक है और साथ में इसके साथ जो है वो क्लोराइड्स लगे हो ठीक है ये इस तरह से क्लोराइड्स आ गए और यहां होल्ड ट्वाइस होगा और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा ठीक है अब देखिए इसके इसमें हमारे पास क्या हो सकता है कि एक पॉजिटिव लिगेंड भी आ सकता है एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स uh, भी हो सकता है यानी कि किटैनिक लिगेंड भी हो सकता है ये आइन हो सकता है ठीक कॉम्प्लेक्स आइन और ये जो है वो हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकता है तो फिलहाल हमने ऐसे लिख दिया ठीक है तो ये हमारे पास आ जाएगा ये हमने फर्स्ट कैटेगरी की बात की ठीक है अब आज

सॉरी एस पी ठीक है और यहां पर हमारे पास आ जाती है एस पी इसके आगे ही लिखेंगे हम ठीक है इसके भी आगे लिखते हैं हम ठीक है और यहां पर हम लिखेंगे इसके आगे एस पी ठीक है और यहां पर हम देखते हैं क्या होती है एस पी टू होती है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इसके आगे इसके जो हमारे पास ज्योमेट्री uh, आएगी ना उसको हम यहां पर ले आएंगे ठीक है ये मैंने यहां पर इसकी ज्योमेट्री मेंशन कर दी थी, ठीक है तो इसमें हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर थ्री आ जाता है ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री है यानी कि तीन यानी कि तीन लेगेंड्स हैं और वो तीन लेगेंड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर रहे हैं हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स कितने हैं हमारे पास थ्री हैं ठीक है ठीके? तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स भी थ्री होना तब भी हमारे पास क्या आता है ये, ये दो पॉसिबिलिटीज आ जाती है इसमें हमारे पास एक तो हाइब्रिडाइजेशन होती है एसपी ठीक है और इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं इसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर देखिएगा कि ये ट्राइगोनल प्लेनर आ गई ठीक है और ये हमारे पास आ गई पैरामिडल आ गई ठीक है तो ये हमारे पास दो जो है वो हम कहते हैं कि हमारे पास आ जाते हैं ये इसकी पॉसिबल ज्योमेट्रीज ठीक है और हम इसमें देखेंगे अगर इसकी एग्जाम्पल देखनी हो हमने इसकी एग्जाम्पल स्टडी करना चाहे ट्राइगोनल प्लेनर एक हमारे पास है और एक है ना तो इसकी अगर एग्जाम्पल हम यहां पर लें ट्राइगोनल प्लेनर की मैं एग्जाम्पल यहां मैंशन करूंगी एच जी आई ठीक है और थ्री और ये आ जाएगा साथ में होल नेगेटिव ठीक है ये हमारे पास जो आइन मौजूद है ये क्या है इसकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर ठीक है इसको हम इक्विलेट्रल ट्राइंगल भी कह सकते हैं क्योंकि ये जो है वो हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल वाली है एक ट्राइंगल आ जाती है फिर दूसरे हमारे पास होता है पेरामिडल इसको हम ट्राइगोनल पेरा भी कहते हैं तो यहां पर अगर मैं साथ में क्या लिख दूं यहां पर लिख दूँ ट्राइगोनल ठीक है तो इसके साथ में यहां पर मैंशन कर देती हूं कि ये क्या होता है ट्राइगोनल और इनके लिए हमारे पास जो आ, हम कहते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है एसपी इनकी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन होती है ठीक है ना फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी की बात करेंगे और वो हमारे पास होती है फोर्थ अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हो यानी कि चार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हो ठीक है तो अगर चार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हो और अगर हम बात करें कि मोनोडेंटेट uh, लिगेंड हो तो हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा कि चार uh, जो लिगेंड्स हैं वो इस तरह से अटैच होंगे ठीक है और यहाँ पर हम जो है वो मैंशन करेंगे इसको हम यहाँ पर मैंशन करते हैं ऐसे में हमारे पास क्या आ जाएगा मोनोडेंटेट होगा तो किस तरह से मैंशन करेंगे हम कि हर लिगेंड ने जो है वो एक एक बॉन्ड बन, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया होगा और ये हमारे पास आ जाएगा और इसके साथ हम देखते हैंज्रल है? है, है? आ जाता है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल जो आ रहा है यहाँ पे वो क्या होता है टेट्रा एक इनमें से हमारे पास है टेट्राहीज्रल ठीक है टेट्राहीड्रल में क्या होता है टेट्रो में जिस एग्जाम्पल लिखेंगे जिंक की यहाँ पर मैंशन करूंगी है और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास बल्कि इसको हम इस तरह से नहीं करते जैसे सी एल फोर करते हैं ठीक है और ये हमारे पास यहाँ पर इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे माइनस टू करके आ जाएगा ठीक है तो थोड़े से स्क्वायर ब्रैकेट जरा इसको ठीक कर लेते हैं ये एक स्क्वायर ब्रैकेट और ये दूसरा और ये यहाँ पे माइनस टू आ गया ठीक है और स्क्वायर प्लैनर देख लेते हैं ठीक है ये भी इसकी पॉसिबिलिटी होती है लेकिन स्क्वायर प्लानर के लिए यहाँ पर एक चीज देखेंगे हम कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होती है जिस तरह यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास क्या है ये हमारे पास टेट्रा बनता है लेकिन स्क्वायर प्लैनर में हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी आ रही होती है यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पर क्या शो हो रही होती है डी एस पी टू और इसके अराउंड हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं कि हम कहते हैं कि एम ये जो हमारे पास जब कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होता है ठीक है ये हम कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली यहां पर लिख रहे हैं ना तो जिसके कितने यानी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स मौजूद हैं ठीक है थीके? तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास डी भी हो सकती है ठीक है हाइब्रिडाइजेशन डी भी हो सकती है थीके? जिसमें जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन होती है ठीक है या ये वाली सिचुएशन ये वाली सिचुएशन या इसको ये वाली कहें कि फोर लिगेंड्स अराउंड करते हैं फोर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स मौजूद हैं ठीक है, है तो डी की इन्वॉल्वमेंट होगी तो देखिए क्या होगा अब यहां पर हम मेंशन कर देते हैं ठीक है ये हमारे पास किसके लिए है डी टू के लिए है ठीक है थीके? ये हमारे पास डीएसपी टू के लिए है. और दूसरी हम देखेंगे ये वाली जो हमारे पास है वो किसके एस पी थ्री के लिए ठीक है, लिए है ना इस तरह से आ जाएगा फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट वन पे और नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है यहाँ पर हम बात करेंगे अब हम देखेंगे कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के बाद अब आ जाएगा फाइव ठीक है तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव होगा तो हमारे पास यहाँ पर uh, क्या सिचुएशन होती है ये फाइव के लिए आ जाएंगे ये इसके लिए जो है वो ज्योमेट्रीज आ जाएंगी ठीक है इनके हम यहाँ पर पहले तो लिखेंगे ना कि uh, ये हमारे पास क्या है कि जो ये आ, हमारे पास सेंट्रल मेटल है इसको कितने लिगेंड्स ने सराउंड किया हुआ है फाइव ने ठीक है और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा ठीक है अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी दो सिचुएशंस आ रही हैं ठीक है ट्राइगोनल पैरामीटर भी बनती है और स्क्वायर पैरामीटर भी बनती है ठीक है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके लिए क्या होती है डी एस पी थ्री हमारे पास आ जाती है सिमिलरली इसमें भी देखें कि यहाँ पे भी हमारे पास डी एस पी थ्री होगी ठीक है अब इनमें भी दो टाइप्स आ जाती हैं जैसे कि एक हमारे पास होती है एस पी थ्री डी ठीक है ये होते हैं और कुछ होते हैं डी एस पी थ्री ठीक है तो आ, इस पर डिपेंड नहीं करता कि हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री हम देख रहे हैं कि ये डी एस पी थ्री या कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव है हमारे पास तो इस तरह हमारे पास ये क्या आ रहे हैं ये हमारे पास या तो ट्राइगोनल बायपेरामीडल बनते हैं या ये हमारे पास क्या बनते हैं स्क्वायर पैरामीडल बनाते हैं ठीक है थीके? तो ये इसकी दो पॉसिबल हमारे पास जो है यहां पे क्या जाती यहाँ पे आ जाती हैं यहां पे इनकी ज्योमेट्रीज आ जाती हैं चलिए यहां पर इनके बारे में यहां पर इनकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं एग्जांपल्स में फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम बात करें ट्राइगोनल बायो पैरामिटल या स्क्वायर पैरामीटल की तो यहां पर हम देखते हैं ट्राइकूनल बायो पैरामिटल की मैं एग्जाम्पल लिखूंगी जिस तरह ये आ जाएगी यहां पर हम देखते हैं एफ ई e, ठीक है देन सी पेंटा कार्बोनाइल ठीक है और ये आयरन ये इस तरह क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है कि हमारे पास जो है, वो क्या, state है? वो जीरो है तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा और नेक्स्ट हम फिर क्या देख लेते हैं यहाँ पर ये हमने देखी किसी ट्राइकोनल की देखी है और स्क्वायर पेरामिटल की भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे आ, ये किस तरह से होगी ये मैं यहाँ पर मैंशन करती हूँ वी ओ ठीक है और उसके बाद फिर क्या होगा यहाँ पर हमारे पास एसिटनाइल एसी एसीटाइल एसिटोनेटो के लिए हम जो है वो यहाँ पर सॉरी एसिटिनो टुने, एसिटोनेट ठीक है ए सी टाइल एसी टोनेट ठीक है ये इसके लिए है और यहाँ पर हम इसके लिए होल ट्वाइस लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट वो क्लोज हो जाएगा ठीक है ये इसकी जो है वो एग्जाम्पल आ जाएगी ठीक है ना फिर उसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के लिए भी अब ज्योमेट्री की स्टडी कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स अगर मौजूद हो हमारे पास तो ये लेकर आएंगे हम ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स अब इसके लिए हम देख यहाँ पर पहले लिखेंगे कि हमारे पास क्या होता है मेटल होता है सिक्स लेग आ रहे हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं ठीक है थीके? और ये हम इस तरह से मेंशन करेंगे फिर हम देखते हैं इसमें हमारे पास एक तो आ जाती है ऑक्टाहीड्रल जो रेगुलर वन है जो ये हमको मोस्ट कॉमन वन कहते हैं वो ऑक्टाहीड्रल होती है ठीक तो है तो ये ऑक्टाहीड्रॉन जो है वो मोस्टली बना रहे होते हैं इनमें जो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही होती है जो हाइब्रिडाइजेशन uh, आ रही होती है वो बेसिकली क्या होती है एक होती है डी या एस पी ठीक है और हम देखते हैं कि इनमें ये आ रही होती है ठीक है डी टू एस पी थ्री अच्छा ये जो डी टू एस पी थ्री है डी टू एस पी थ्री इसके अलावा एक और भी हमारे पास होती है यानी कि एस पी थ्री डी टू इनमें दोनों में फर्क जो है जिस तरह यहाँ पर हमने देखा था डी भी थी और एस पी भी होती है हमारे इसमें इसमें हमारे पास और इसमें डी टू एस पी और एस पी भी होती है तो ये हमारे पास क्या होते हैं कि इनमें डिफरेंस ये होता है कि लेग पे डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा लेग है ठीक है तो बाकी ये है कि हमारे पास ये इसकी दो हम कहते हैं कि हाइबा जोमेट्रीज आ जाती हैं ठीक है और यहाँ पर एग्जाम्पल्स इनकी स्टडी कर लेंगे अच्छा यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी ना वो हम कहते हैं कि ट्राई गुनर की ना फर्स्ट एग्जाम्पल आ जाती है ठीक है तो ये अगर यहाँ पर देखें तो ये होती है हेक्सामिथाइल मिथाइल ठीक है तो ये किस तरह होगी टंगस्टन के लिए डब्ल्यू आ जाता है और मिथाइल के लिए क्या होता है सी एच थ्री होल सिक्स ठीक है इस तरह से ये इसकी एग्जाम्पल आ जाती है ऑक्टाहीड्रल की एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो ऑक्टाहीड्रल की एग्जाम्पल हो जाएगी हमारे पास आ जाएगी हेक्सा एक्वा ये हम लिखेंगे हेक्सा एक्वा ठीक है आयरन और यहाँ पे इसका जो है वो हमारे पास क्या जाएगा? आ जाएगा आइन आ जाएगा ठीक है तो ये हमारे पास थ्री पॉजिटिव आइन भी आ सकता है और इसकी इसी तरह टू पॉजिटिव आइन भी आ सकता है तो यहाँ पर हमने क्या स्टडी किया हमने यहाँ पर ज्योमेट्री स्टडी की कोऑर्डिनेशन नंबर टू से लेकर सिक्स तक की और उनके अकॉर्डिंग उनकी ज्योमेट्री देखी कॉम्प्लेक्सेस की